बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूं, अल्लाह ताला की जात का लाख लाख शुक्र है, और आप सब बहन भाइयों के लिए दुआ गो। आज मैं आया हूं एक शादी पर, और इसलिए इस जैकेट में फंसा हुआ तंग आ गया हूं, लेकिन घर जाके उतारनी है। तो आज मैं बात करने लगा हूं अलीजे सैर के बारे में, जिन्होंने दावा किया है, वादा बल्कि किया है कि मैं आइंदा अपना यूट्यूब चैनल नहीं चलाऊंगी। तो उसके बारे में मेरे पास लेटेस्ट अपडेट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे बेल के आइकन को भी दबा लें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, दो दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी और मैंने आपको बताया था कि अलीजे सैर ने चैनल अपना क्यों छोड़ा है, क्या वजह बनी है कि उसने उसे अपना चैनल छोड़ना पड़ा है। और वो रो रही थी और इतनी तंग किसी ने उसे इतना तंग किया था, इतनी इंसल्ट उसकी की थी कि वो इस चीज से हर्ट हो गई थी कि मैं चैनल छोड़ दूंगी, मैं आइंदा वीडियो नहीं बनाऊंगी, ब्लॉग्स नहीं करूंगी। देखे ना, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था कि इस चैनल को एस्टेब्लिश करने के लिए अलीजे सैर ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। उसने भैंसे चुराई हैं, उसने गधा गाड़ी चलाई है, उसने मतलब इस तरह के काम किए हैं ना फेमस होने के लिए, जो आम यूट्यूबर जो है ना कम करते हैं। लेकिन अलीजे सैर की इसमें पीछे बहुत ज्यादा मेहनत थी। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी वीडियोस को काफी लोग मिसयूज कर रहे हैं, तो यही वजह बनी है। और हमारे माशरे में, गांव में भी इस तरह का माहौल होता है कि जो इस तरह की कोई इज्जतदार किसी की बहन बेटी या कोई इस तरह का काम कर ले तो लोग जो है ना बहुत मायूस समझते हैं। तो अब बात यह है कि अलीजे सैर चैनल पर वापस आएंगी कि नहीं आएंगी, तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि उनकी जो दोस्त हैं एक, जिनकी अक्सर आप उनकी वीडियो में आपने देखा होगा, उन्होंने वादा किया है कि मैं अलीजे सैर को वापस लेकर आऊंगी, और अगर मैं ना ला सकी तो मैं भी अपना चैनल छोड़ दूंगी। और उम्मीद है कि वो अलीजे सैर को वापस ले आएंगी व्लॉगिंग की तरफ, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि इतनी मेहनत की हुई हो तो ऐसे इतनी आसानी से बंदा अपनी मेहनत को जाया नहीं होने देता। और उसकी दोस्त ने भी ये वादा किया है और दावा किया है कि मैं इंशाल्लाह ताला उसे वापस लेकर आऊंगी। हमारी सब YouTube फैमिली की और मेरी तरफ से तो यही ख्वाहिश है कि अलीजे सैर वापस आ जाए, ताकि अपना अपने मोहब्बत करने वाले लोगों के दरमियान में रहें और अपना काम जारी और सारी रखें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।